वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें आपसे कहूँगा कैसे हम लोग फाइंड करते हैं एक लिस्ट नंबर को, जिसको ऐड करेंगे किसी एक नंबर से तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ऐड करके हमारा वो नंबर जो आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। जिसको समझाने के लिए मैंने एक नंबर लिया है 59,000, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको मुझे एक लिस्ट नंबर से ऐड करना है ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं उस लिस्ट नंबर को, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर उस नंबर को लिख लेते हैं और हम लोग कुछ ऐसा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। मतलब कि हम लोग इस वीडियो में लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। और फिर क्या करते हैं, हम लोग पेयर बनाते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं स्क्वायर है, तो हम लोग टू का पेयर बनाएंगे। मतलब कि इधर राइट हैंड साइड से टू का पेयर, मतलब दो जीरो हो गया तो हमारा दो का पेयर बन गया, नाइन जीरो हो गया। मतलब सेम नंबर नहीं होना चाहिए, बस नंबर होना चाहिए। और अंत में अगर एक नंबर इकलौता बच जाए तो उसका एक पेयर भी हो सकता है। और यहाँ तक हमें पेयर बनाते रहना है। और देखते हैं कि हमारा पहला पेयर में सिर्फ फाइव नंबर है, तो हमें कुछ यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है जिसका स्क्वायर फाइव हो नहीं तो उसे कम हो। मतलब कि हम देखते हैं कि हमारा टू नंबर है, इसका स्क्वायर हमारा क्या होगा, मतलब कि टू इंटू टू हमारा इसका स्क्वायर होगा और टू इंटू टू हमारा फोर होता है। और देखेंगे कि हमारा फोर फाइव से कम है, तो हम देखेंगे कि अगला नंबर मतलब थ्री का स्क्वायर, क्या थ्री का स्क्वायर फाइव लाता है। तो देखते हैं थ्री का स्क्वायर मतलब थ्री इंटू थ्री इक्वल टू नाइन। हम देखते हैं कि हमें बड़ा नंबर नहीं लेना है, नहीं या तो यही नंबर लेना है, नहीं तो उससे छोटा लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं, टू का स्क्वायर ले लेते हैं, मतलब फोर नंबर ले लेते हैं। उस टू का स्क्वायर कैसे लेंगे, हम लोग यहाँ पे एक टू डालेंगे और एक यहाँ पे टू डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फोर डाल देंगे और इन फाइव में से फोर को माइनस कर देंगे तो हमारा वन आ जाएगा। और हमने जो यहाँ पे जिसका स्क्वायर लिया उस नंबर को यहाँ डाल देंगे, ठीक है। मतलब टू हमका स्क्वायर लिया तो हमने टू लिख देते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, टू और टू को प्लस कर देंगे तो हमारा फोर हो जाएगा। और यहाँ पे एक स्पेस छोड़ देंगे जिसमें हम लोग एक और नंबर लिखेंगे। उस नंबर को लिखने से पहले हम लोग अगले पेयर को, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा पेयर ख़त्म हो गया, तो हम लोग अगले पेयर को, मतलब अगला पेयर है हमारा 90 का, तो उसे लिख लेते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसे खुद से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 190 आए, नहीं तो उससे कम आए। मतलब कि क्या देखते हैं कि हमारा 41, अगर हम यहाँ पे स्पेस के जगह पे 1 लेते हैं, 41 लेते हैं, तो उसको हम लोग 1 ही से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और हमारा ऐसे ही 42 लेते हैं तो हमारा 2 ही से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा ही हम लोग को ऐसा नंबर लेना है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 190 है, नहीं तो उससे कम है। जब हम लोग 4 नंबर लेते हैं और उसे 4 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 176 नंबर आता है, ठीक है। तो हम लोग वैसा ही करेंगे जैसे हमने ऊपर किया, 190 में से माइनस कर देंगे 176, तो हमारा आ जाएगा 14, उसे लिख देंगे। और इधर हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने इसमें प्लस किया वैसे इसमें भी करेंगे, देखेंगे 44 को 4 से प्लस करेंगे तो 48 आएगा और यहाँ पे भी एक जगह छोड़ देंगे। और देखेंगे कि हमारा अगला पेयर 00 का है, उसे लिख देंगे। और हम लोग यहाँ पर एक ऐसा नंबर ले लेंगे जिसे खुद से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा 1400 आएगा। यहाँ पर हम लोग टू नंबर डालते हैं और टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 986। तो इसे हम लोग जब माइनस करेंगे तो हमारा कुछ नंबर आ जाएगा, ठीक है, जो कि बताता है कि हमारा 1400 बड़ा है 986 से, ठीक है। और हमें बताता है कि हमारा ये हमने टू नंबर लिया, फोर नंबर लिया और टू नंबर लिया, ये हमारा 242 का स्क्वायर हमारा छोटा है 59,000 से, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा ये नंबर है और इससे थ्री नंबर लेते हैं तो हमारा 1400 से बड़ा हो जाता, तो मतलब कि 243 हमारा स्क्वायर 49 से बड़ा है और इसके एकदम पास में है। तो हम लोग देखेंगे 243 का स्क्वायर कितना होगा, तो 243 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 59,049। मतलब कि हमें एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग प्लस करें तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए वो होगा,
जो ये नंबर है बड़ा नंबर है उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे छोटा नंबर को, तो हमारा हो जाएगा 49, मतलब कि वो लीस्ट नंबर होगा हमारा 49। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।